क्या आपके भी स्पाइन के सबसे निचले हिस्से में अर्थात टेलबोन में पेन होता है? आपको बर्निंग होती है टेलबोन में, या आप अगर लंबे समय तक बैठे रहते हो तो आपसे बैठा नहीं जाता, आपकी टेलबोन बहुत दर्द करती है, समस्या होती है, आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है, या आप ऑफिस में बैठे रहते हो तो आपसे काम नहीं किया जाता? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप अब चाहते हो इस पेन से छुटकारा पाना, तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं ऐसी चार एक्सरसाइज जिन्हें करने से संभवतः आप अपने टेलबोन के पेन से छुटकारा पा सकते हैं। साथ में आपके लिए एक बोनस एक्सरसाइज और है जो वीडियो में कहीं भी हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। साथ में अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रणय हर्षित आगरा से, डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हम समझते हैं कि टेलबोन कैसी होती है, क्या उसका स्ट्रक्चर और बनावट होती है और क्या काम रहता है। देखिए, ये हमारी सर्वाइकल स्पाइन है, थोरेसिक स्पाइन है, लंबर स्पाइन है, ये सेक्रम है, और ये लास्ट में जो आप देख पा रहे हैं ये कॉकिक्स है। ये हड्डी स्टार्टिंग में तो चार हड्डियां होती हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये फ्यूज होकर एक बोन बन जाती है, इसे हम बोलते हैं कॉकिक्स या टेलबोन। संभवतः इसके पास से नसें निकलती हैं, यहाँ तक आते आते सारी नसें खत्म हो जाती हैं। अब हम शुरुआत करते हैं आज के मुख्य टॉपिक की कि टेलबोन का दर्द होता क्यों है। टेलबोन का दर्द होने की वजहें होती हैं, कई बार किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर हो सकता है, कई बार क्या होता है आप कार से कहीं जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, सडन इम्पैक्ट आया, आपकी धड़ाम आप धड़ाम से नीचे गिर गए, जर्क आ गया, इम्पैक्ट आ गया, उस वजह से टेलबोन में फ्रैक्चर हो सकता है। या फिर कई बार लोगों का सीढ़ी से पैर फिसल जाता है और वो धड़ धड़ कई सारी सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे अपनी स्पाइन के बल अर्थात टेलबोन के बल नीचे आते जाते हैं, उस समय भी टेलबोन आपकी फ्रैक्चर हो सकती है। या कई बार पेशेंट की टेलबोन में डिसलोकेशन हो जाता है। देखिए कैसे होगा डिसलोकेशन, जो इस बोन की एक्चुअल बनावट है, एक स्ट्रक्चर, एक अंदर को कर्व होता है जिसे हम काइफोसिस कहते हैं, बट कई बार धमक लगने से, जोर से नीचे गिरने से, या बाइक पे बैठने से, कई बार बाइक पे जा रहे हैं ब्रेकर पे झटका लग गया, तो इस ये बोन थोड़ी सी डिसलोकेट हो जाती है, अर्थात अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है, एनाटॉमिकल पोजीशन है, उससे डिविएट कर जाती है। यदि ऐसा होता है तब भी आपको टेलबोन में पेन होगा, आपको समस्या होगी। कई बार जो पेशेंट्स हमारे कंप्लेन करते हैं कि सब हमारी टेलबोन में बर्निंग हो रही है, हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं, या उनके जो काम करने का तरीका है वो सेडेंटरी है, लंबे समय तक उन्हें बैठे रहना पड़ता है। जब ऐसा होता है तब भी टेलबोन पे अनावश्यक दबाव पड़ता है, क्योंकि कई बार बैठने की पोजीशन इतनी ऑकवर्ड होती है, या कहें कि जो सीट है, जो चेयर है, वो कंफर्टेबल नहीं होती, बहुत सख्त होती है, इसलिए भी कंटिन्यूस प्रेशर पड़ने की वजह से वहां पर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कॉक्सीडीनिया हो सकता है, बर्साइटिस हो सकती है, और पेशेंट को पेन या बर्निंग जैसी समस्या मालूम पड़ती है। कई बार किसी पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो भी पेशेंट को क्या होता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है मोशन जाने के लिए, ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट को टेलबोन का पेन हो जाता है। यहां तक तो आपने जान लिया कि टेलबोन क्या होती है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, बनावट होती है, और किन वजहों से हमें टेलबोन पेन हो सकता है। अब जानते हैं टेलबोन के पेन को ठीक करने के उपाय। एक्सरसाइज नंबर 1 की बात करते हैं। कैसे होती है एक्सरसाइज? ये होता है चाइल्ड पोज। दोनों पैरों पर बैठ जाएंगे, पंजे पीछे की तरफ, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाइए और सांस निकालते हुए हाथों को आगे लाएंगे, आगे झुकेंगे धीमे धीमे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका हिप पोर्शन पैरों पर ही बैलेंस रहना चाहिए, दोनों हाथ नीचे आ जाएं। प्रयास करिए कि सांस को आराम से निकाल के अपने सिर को भी नीचे लेकर आ पाएं। यदि आपके बैक पेन हो तो कंफर्टेबली नीचे झुकिएगा, अन्यथा जिन्हें सिर्फ टेलबोन है का पेन है वो आराम से नीचे झुक सकते हैं, और उसके बाद सांस को लेते हुए वापस आ जाइए, कुछ इस प्रकार से हाथों को नीचे ले आइए। इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं लगभग 3 से 5 बार, 5-5, 10-10 सेकंड के होल्ड में। शुरुआत में 10 सेकंड तक होल्ड करिए और धीमे धीमे इसका होल्ड टाइम बढ़ाकर 30 सेकंड तक लेके चले जाइए। 5 बार सुबह करिए, 5 बार शाम को करिए, धीमे धीमे इसको 8 से 10 बार लेके जाइए। जब 10 की गिनती में आप इस आसन को करने लगे तो इसको सुबह 10 बार और शाम को 10 बार परफॉर्म करिए 30 सेकंड के होल्ड के साथ। आपको हम बता दें कि आपके प्रश्नों के उत्तर जल्द से जल्द आप तक पहुँचें, इसके लिए हम इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन करने वाले हैं हर मंथ के 2nd और 4th शनिवार को शाम को 6 से 7 बजे। इसलिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो अवश्य कर लें, जिससे उस इंस्टाग्राम लाइव में आप जुड़कर अपनी समस्याएं हमसे सामने पूछकर उनके उत्तर पा सकें। इसके बाद हम सीखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2, ये कैसे होती है। नंबर 2 का नाम है कैट एंड काउ पोज। कुछ इस प्रकार से ये होगी, आपको क्वाड्रिपेड पोजिशन में आ जाना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके हाथ वर्टिकली सीधे रहेंगे, घुटने और हिप वर्टिकली सीधे रहने चाहिए। इस प्रकार से क्वाड्रिपेड पोजीशन में आ जाइए, 4-point पोजीशन में। इसके बाद सांस को लेते हुए कमर को नीचे झुकाइए और सर ऊपर जाएगा, इस पोजीशन को कहते हैं कैट पोज। और फिर आप वापस जाएंगे सांस को निकालते हुए, अपने
चिन को चेस्ट से लगाने का प्रयास करिए और पीठ को जितना ऊपर लेकर जा सके उतना ऊपर लेकर जाइए, इसे कहते हैं काउ पोज। तो ये हुआ आपका कैट पोज एंड काउ पोज। विशेष ध्यान रखिएगा, आपकी एल्बो लॉक रहनी चाहिए। इस एक्सरसाइज को भी आप परफॉर्म इसी तरह से कर सकते हैं कि शुरुआत में आप 5 सेकंड के होल्ड से आरंभ करिए, 3 से 5 बार करिए, धीमे धीमे इसकी गिनती बढ़ाकर 10 बार तक ले जाइए और जो 5 सेकंड का होल्ड है उसे 30 सेकंड तक बढ़ा दीजिए। सुबह और शाम में इस एक्सरसाइज को करिए, अच्छे से परफॉर्म करेंगे बिना जल्दबाजी के तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि टेलबोन के पेन में हम क्या गलतियां करते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो उसके लिए एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, इसका लिंक आई कार्ड में अवेलेबल है, जाकर आप उसे देख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 करने के लिए आपको लेटना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सरसाइज लेट कर होगी, तो किसी एक करवट से आप लेट जाइए और सीधे लेट जाएंगे कुछ इस प्रकार से। हमें करना है ट्रंक का रोटेशन, दोनों हाथों को साइड में खोल दीजिए या ऐसे भी खोल सकते हैं। इसके पश्चात दोनों पैरों को मोड़ कर रख लीजिए। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके दोनों घुटने मुड़े रहेंगे पर घुटने एड़ी पंजे सभी मिले रहेंगे आपस में। इसे परफॉर्म करने के लिए आप अपने दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे और सिर को राइट साइड घुमा दीजिए, जितना कंफर्टेबली जा सकते हैं उतना लेकर जाइए। देखिए मेरे पूरे पूरे पैर जा रहे हैं लेफ्ट साइड, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में आपके पैर यहीं तक रहें तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। पैरों को यहां तक ला पा रहे हैं तो यहां तक लाइए, यदि पूरे लेके जा पा रहे हैं तो पूरे जाने दीजिए। इस प्रकार से सांस को निकालते हुए इस मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे, वापस आइए सांस को लेते हुए और दूसरी तरफ अपने पैरों को ले जाइए कुछ इस प्रकार से। देखिए मेरा सिर घूम के लेफ्ट साइड आ गया है, घुटने एड़ी पंजे मिले हुए हैं, पैर मेरे राइट साइड चले गए हैं। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज को भी आप उसी तरह परफॉर्म करेंगे, लगभग 3 से 5 सेकंड के होल्ड में और 5 बार, धीमे धीमे इसको बढ़ा के भी 10 बार तक चले जाइए और इसका हर साइड पैरों को घुमाने का जो होल्ड है उसे 30 सेकंड तक बढ़ा दीजिएगा। अगर आपको भी टेलबोन की कोई समस्या हो रही है, पेन है, डिस्कम्फर्ट है और आप हमसे कोई सलाह चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, क्योंकि वहां हम आपको उत्तर कम समय में दे पाएंगे, या आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और अपनी समस्या का हल पा सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 के बारे में, पर उससे पहले आपको एक बोनस एक्सरसाइज मैं बता दूं उसे कैसे परफॉर्म करेंगे। ये जो बोनस एक्सरसाइज है ये है आपकी जो बैक की मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। किस प्रकार से होगी आइए इसको देख लीजिए और सीख लीजिए। ये एक्सरसाइज में लेट कर होगी कुछ इस प्रकार से। आप पलंग पर लेट जाइए सीधा, दोनों पैरों को मोड़ के रखेंगे, पर पहले पैरों को मिला कर रखा था, अब दोनों पैरों में लगभग 1 से 1.5 फीट का गैप रहना चाहिए। इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं ब्रिजिंग एक्सरसाइज। आप जब अपनी कमर को धीमे से ऊपर उठाएंगे तो देखिएगा आपकी लोअर बैक की जो मसल्स हैं इन पर स्ट्रेस पड़ेगा, आपकी ग्लूट्स टाइट होंगी, आपकी हैमस्ट्रिंग्स पे लोड पड़ेगा। इस प्रकार से आप अपनी सारी जो बैक की मसल्स हैं या जो टेलबोन के आसपास का मस्कुलेचर है आप उसे भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जब इन मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी तो आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आ पाएगी जैसे आपको पेन हो रहा था टेलबोन में, बर्निंग हो रही थी, क्योंकि मांसपेशियों की ताकत ऑलरेडी बढ़ जाएगी, वहां मसल बल्क बढ़ जाएगा, तो पिंचिंग इरिटेशन आपको कम होगी, आप टेलबोन की समस्या से दूर रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो यहां तक समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैं कहूंगा कम से कम इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और 5-6 लाइक तो बनते हैं इस वीडियो के लिए। अब हम शुरुआत करते हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 4। ये कैसे होगी? एक्सरसाइज नंबर 4 करने के लिए आपको उल्टा लेटना पड़ेगा क्योंकि ये है कोबरा पोज। देखिए आपकी मांसपेशियां थोड़ी सी टाइट हो गई हैं, उन्हें रिलैक्स करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टाइट मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए हम करेंगे कोबरा पोज। किस प्रकार से होगा? आप उल्टा लेट जाइए, चेस्ट केबल दोनों हाथ कंधों के नीचे रखिए, सांस को लेते हुए धीमे से ऊपर उठेंगे जितना कंफर्टेबली आप उठ पाएं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका जो वजन है वो आपके हाथों पर रहेगा, पीठ पे जोर ना लीजिएगा, वरना आपकी जो मसल्स टाइट थी जकड़ी थी और टाइट हो जाएंगी, आपको पेन और बढ़ सकता है। तो वापस जाइए, धीमे से हाथों पर लोड देते हुए ऊपर उठिए, छत को देखने का प्रयास करेंगे जितना आप कर सके, कोहनी अंदर की तरफ रखेंगे। इस पोजीशन को होल्ड करिए 3 से 5 सेकंड शुरुआत में, बाद में धीमे धीमे इसका समय बढ़ाते चले जाइए और बढ़ा बढ़ा के आधे मिनट तक आ जाइए। लगभग इस एक्सरसाइज को भी 5 से 10 बार करना है। 10 बार जब पहुंच जाइए 30 सेकंड के होल्ड पर आ जाइए तो सुबह और शाम में इस एक्सरसाइज को भी परफॉर्म करिए। आपको इन सभी एक्सरसाइज को आराम से और धीमे धीमे परफॉर्म करना चाहिए। यदि आपको ये लगता है कि आपके कोई कलीग हैं, कोई रिलेटिव हैं, कोई जानने वाले हैं जिन्हें आप ही की तरह टेलबोन में पेन होता है या बर्निंग होती है, इस तरह की कोई भी समस्या होती है, तो उन तक भी इस वीडियो को अवश्य पहुंचाइएगा ताकि ना कि सिर्फ आप ही का लाभ हो, उन्हें भी लाभ मिल सके। साथ ही साथ आने वाले वीडियोज के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो पब्लिश हो तो आपको
वो सारी नोटिफिकेशन मिल जाएं और आप उन वीडियो को आराम से देख सकें। अगर आपकी टेलबोन में पेन हो रहा है तो संभवतः आपके उठने बैठने का तरीका भी गड़बड़ा रहा होगा। आपको आपके हिप में भी समस्या हो सकती है, हिप में पेन आ सकता है। यदि ऐसा है तो उस हिप के पेन को दूर करने के लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं। आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप अपने हिप के पेन से छुटकारा पा सकते हैं। और जब आपके उठने बैठने का तरीका खराब हो ही रहा है, आपके हिप में तो पेन हो ही रहा है, ये भी संभव है कि आपकी पाइरिफर्मिस मसल भी टाइट हो रही हो। तो पाइरिफर्मिस मसल का स्ट्रेच कैसे करते हैं, उसके लिए आप राइट वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं।